हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया शर्मा अपने चैनल हेल्दी बाइट्स पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर सूप। वैसे तो बाजार में बहुत इंस्टेंट टमाटर सूप मिलते हैं, लेकिन जो घर में बनाते हैं उसका स्वाद अलग ही होता है। टमाटर सूप के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देखिए। ये 1 किलो टमाटर, पिसा हुआ जीरा भुना हुआ, काला नमक, थोड़ी सी चीनी, पिसी हुई काली मिर्च। अब हम टमाटर बॉईल करेंगे। टमाटर को हमें प्रेशर कुकर में डालना है। अब इसमें पानी डालेंगे। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, करीब 2 विसल हमें इसमें लगानी है। हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं, इन टमाटरों को हमें छीलना है। ये टमाटर मैंने छील लिए हैं, इन्हें दोबारा कुकर में डालना है। अब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। अब हमने ये ब्लेंड कर लिया, अब हम इसे छानेंगे। ये सूप हमने छान लिया है, हम इसे पकाएंगे। ये थोड़ा थिक है तो इसमें हम करीब 1/2 कप पानी डाल देते हैं। टमाटर सूप हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, करीब 2 छोटे चम्मच। काला नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च स्वाद के अनुसार। करीब 5 मिनट हमें इसे पकाना है। जब तक ये हमारा पकता है, हम इसके लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं। टमाटर सूप को ब्रेड क्रम्स बहुत स्वादिष्ट बनाता है।